संभल से शाहरुख कुरैशी की रिपोर्ट, लुटेरे पति ने अपराध करने के बाद अपनी पत्नी को भी उतारा मौत के घाट। जनपद संभल के कुड़वतेलगढ़ थाना क्षेत्र में युवक ने पत्नी को गोली मारकर घायल करने के बाद खुद भी मारकर दी जान। पत्नी गंभीर हालत में इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती। जनपद संभल की चंदौसी कोतवाली क्षेत्र में 30 जुलाई को खाद व्यापारी की लूट के बाद हत्या कर दी गई थी, जिसमें पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था, जिसमें उन्होंने इस घटना में तीन लोगों के और शामिल होने की बात कही थी, जिसके बाद पुलिस अभियुक्तों की तलाश में जुटी हुई थी। इसी बीच आज सुबह कुड़वतेलगढ़ थाना क्षेत्र पुलिस को सूचना मिली कि खाद व्यापारी के साथ हुई घटना में शामिल अभियुक्त भूप सिंह ने अपनी ससुराल बाबेपुर में अपनी पत्नी को गोली मारकर घायल करने के बाद खुद भी गोली मारकर अपनी जान दे दी। घटना की जानकारी मिलते ही कुड़वतेलगढ़ थाना पुलिस ने भूप सिंह की घायल पत्नी को इलाज के लिए चंदौसी के संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां पर गंभीर हालत को देखते डॉक्टरों ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। इस विषय में पुलिस अधीक्षक संभल यमुना प्रसाद ने बताया कि 30 जुलाई को चंदौसी कोतवाली क्षेत्र में खाद व्यापारी के साथ हुई लूट और हत्या की घटना में शामिल और फरार चल रहा अभियुक्त भूप सिंह सुबह 4 बजे कुड़वतेलगढ़ थाना क्षेत्र में स्थित अपनी ससुराल बाबेपुर पहुंचा। वहां पर उसकी पत्नी ने कहा कि तुमने गलत काम किया है और मैं अपने पिताजी को बताने जा रही हूं, जिसके बाद गुस्से में आए भूप सिंह ने अवैध तमंचे से अपनी पत्नी की गोली मारकर खुद की भी गोली मार ली, जिसमें भूप सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी इलाज के लिए अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही हैं। आज दिनांक 8 तारीख को सुबह करीब 4 बजे एक जो 30 तारीख को चंदौसी थाना क्षेत्र में लूट विथ मर्डर की घटना हुई थी, उसका एक वांछित अपराधी भूप सिंह यादव अपने बझेड़ा फैजगंज बेटा का जो रहने वाला है वो लगातार इधर फरार चल रहा था, और आज सुबह वो अपने ससुराल में जो बाबेपुर कुड़ थाना क्षेत्र में पड़ता है वहाँ आया हुआ था। उसकी पत्नी रक्षाबंधन में अपने मायके आई हुई थी, उसी में वो सुबह आज 4 बजे आया और अपनी पत्नी से मिला। पत्नी ने कहा कि मैं तुमने गलत काम किया है और मैं अपने पिताजी को बताने जा रही हूँ। इस पे उसने रोका कि पिताजी को बताओगी तो वो पुलिस को बता देंगे और मैंने गलत काम किया है तो अब मुझे समस्या हो रही है। इसी में आपस में पति पत्नी में नोकझोंक होने लगा, उसने कहा कि पुलिस को सरेंडर कर दो। इसी में उसने तमंचा ला करके अपनी पत्नी को गोली मार दिया, जिसमें पत्नी घायल हो गई, और फिर वो भूप सिंह यादव अपना नीचे घर के आकर के उसने खुद को भी गोली मार ली, जिसकी मौके पे ही मृत्यु हो गई। उसकी पत्नी को हॉस्पिटल भेजा गया है और अभी विधिक कार्रवाई की जा रही है।